फिरोजाबाद में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की जयंती पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और धरती पुत्र के नाम से प्रसिद्ध मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर आज एक भव्य शोभायात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा रसूलपुर शहीद चौक से प्रारंभ होकर गांधी पार्क स्थित लोहिया पार्क में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद रामजीलाल सुमन ने फीता काटकर किया। उन्होंने नेताजी के योगदान को याद करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव किसानों, गरीबों और समाज के हर वर्ग के हितैषी थे। उन्होंने हमेशा समाजवाद के मूल्यों को आगे बढ़ाया। इस अवसर पर जयंती अध्यक्ष विमल यादव ने कहा, हम हर वर्ष नेताजी की जयंती 22 नवंबर को मनाते हैं। ये हमारी तीसरी शोभायात्रा है जिसे समाज के सभी वर्गों का अपार समर्थन मिला है। शोभायात्रा में समाजवादी विचारधारा के प्रतीक झांकियों और बैनरों के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। यात्रा में ढोल नगाड़ों और देशभक्ति के नारों की गूंज से माहौल गमगीन और उत्साहपूर्ण बन गया। लोहिया पार्क में आयोजित सभा में नेताजी के योगदान और उनके विचारों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। सभा का समापन उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा के साथ हुआ। माननीय सदस्य नेताजी का जन्मदिन 22 तारीख को मनाते हैं हम लोग। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हमने 24 तारीख को उनकी शोभा यात्रा निकालने का काम किया है। हमारे नेताजी इस देश के, इस पूरे विश्व को एक सूरज के समान है। एक सूरज सारे विश्व को, सारे देश को रोशनी देता है। उसी तरह हमारे स्वर्गीय नेताजी पूरे देश को एक रोशनी देने का काम किया है। उनकी विचारधारा सारे देश के लिए समान रही है हमेशा। हमारे नेताजी ने कभी किसी जाति को ना नीच किसी प्रकार का संदेश नहीं दिया, ना भी एक कहा कि सारे लोग एक तो होके मिलकर काम करें और देश का गौरव बढ़ाए। नेताजी की शोभा यात्रा का शराब हमारी शोभा यात्रा है। नेताजी की विकास शोभा यात्रा निकालने का कार्य करें। आइए परम सत्य आदरणीय नेताजी की रसूलपुर चौक हमारे आदरणीय नेताजी जो काम किए हैं, महापुरुषों वाले काम किया है नेताजी। गरीब व्यक्ति जो रक्षा मंत्री है नेता उन्होंने ऐसे कार्य महापुरुषों में सम्मिलित किया।